साहब का एक वीडियो पे और आज अपन अपना ही डाउनफॉल देखेंगे वी विल सी हाउ थिंग्स वेट डाउन ही लेट्स गाउट

आप सब लोग को ध्यान रहेगा टू जब एटीन PUBG मोबाइल आया था इंडिया के अंदर तो उसका कितना तगड़ा वाला स्टार्ट दो तीन दिन लगे थे पता नहीं कैसे चला गया था सोलो स्कोड इज ईजी जबकि मैं सोलो स्कॉट खेल रहा था अपने दोस्त लोग मर गए थे असल में इसमें और अपनी ट्रोलिंग वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च करते थे हाउ हाउ टू टू बी अ प्रो प्लेयर प्ले PUBG वगैरह तो यार बाद में स्टार्ट हुआ बट पहले PUBG ही चल रहा था और किसी भी बंदे को खेलना नहीं आता था, था और उस समय PUBG के अंदर आईपेड व्यू भी अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उस समय कोई आईपेड व्यू था ही नहीं सब लोग नॉर्मल यहां पे जो व्यू वगैरह रहता था एंगल वगैरह रहता था उस पे खेलते थे और यहां पे आईपेड प्लेयर्स को देख के एकदम अलग सा ही लगता था कि भाई ये कौन सा गेम चल रहा है और उनका गेम प्ले भी काफी तगड़ा था आप लोग गेम एक्सप्रो का अगर वीडियो देखोगे तो यहां पर लोग उसको बोलते थे पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक क्लोज रेंज का प्लेयर है ये कब हो गया पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक क्लोज रेज कपड़ा ये कब हो गया भाई ये ये तो ये सब तो मैंने बोला गया हूं। ये तो मैंने नहीं सुना। मैं उसका एक बहुत बड़ा वाला फैन हुआ करता था भाई के साथ वाले लोग बोलते होंगे पूरी दुनिया ये ज्यादा हो गया उनके डाउनफॉल के जो मेन रीजन थे करीब आठ रीजन आप लोगों को पहला रीजन की तरफ लेके चलता हूँ यहाँ पे जो उनका फर्स्ट रीजन था

गेम में क्योंकि गेम वही है गन वही है लोग वही है बंदे वही है एट द एंड गोल वही है चिकन डिनर करना मतलब इसमें और तुम कितना ही क्या नया कर लोगे समझ रहे हो पांच साल का टाइम स्पेंड एक गेम के लिए मतलब इतना कुछ हो है नहीं कि तुम बहुत चीजें चेंज कर लोगे कुछ कुछ चीजें की जाती है जैसे क्रेडिट ओपनिंग वगैरह ये सब नया चीज आया था तब हुआ था लेकिन इतना कुछ है नहीं अब बचावा करने को समझ रहे हो मतलब आउट ऑफ आइडिया हो चुका है गेम पूरी तरह से चूस लिया गया है मतलब और कुछ ज्यादा बचावा है नहीं इसमें करने को समझ रहे हो प्लस लोगों को गेम खेलना भी अब बहुत लोगों ने छोड़ दिया कोई वापस ही नहीं आया तो अब जब गेम खेलते ही नहीं लोग तो यार वीडियो कोई नहीं देखता बैठ के समझ रहे हो अब तुम चाहे कुछ नया कर लो उसमें जब लोग बंदा गेम ही नहीं खेलता है वो तो वीडियो देखेगा समझ रहे हो ये बात है भाई एक चीज को अपन लोग महीने तक दो महीने तक इवन साल तक देख सकते हैं बट तेरे को कुछ कुछ तो स्पेशल स्पेशल करना पड़ेगा ना चैनल के अंदर अब और... देखो कुछ वही किया जा सकता है वो है दूसरा गेम पर तुम्हें पता है जब तुम शुरुआत से ही बीजेएमआई ही खेल रहे हो तो जाके देख लो मतलब सारे बीजेएमआई चैनल को मतलब बीजेएमआई के अलावा कुछ और चलता नहीं उधर मतलब मुश्किल है तभी मैंने भी दूसरा चैनल वगैरह किया था बाकी चीजों

मोन्टाज भी गेम प्ले में आता है ना क्या मैं अलग अलग के साथ चलता है क्या आया बट ये कुछ और क्या करना है टिप्स एंड ट्रिक्स कर दिया तुम्हारे भाई ने हैंड गेम कर दिया तुम्हारे भाई ने। आ, और क्या हो रहता है ग्रेट ओपनिंग कर दी तुम्हारे भाई ने लाइव स्ट्रीम ट्राई किया था लाइव स्ट्रीम मेरे को ऐसा जमानी प्लस लाइव स्ट्रीम भी बहुत लोग करते लाइव स्ट्रीम हो गई और क्या है दोस्तों के साथ बात ट्रोल वगैरह गेम प्ले कर दिया तुम्हारे भाई ने बंदों को जो ट्रोल करना होता है वो कर दिया तुम्हारे भाई ने ठीक है और बताओ और बीजेपी में कुछ ऐसा क्या ही किया जा सकता है समझ रहे हो तो ऐसा कुछ बचा है नहीं अब करने को गाइस पांच साल से एक ही गेम यार कैसे करोगे तुम नहीं हो पाता है भाई इतने आइडिया नहीं आते है कुछ बचा भी नहीं है अब कुछ अलग खतरनाक करने को पाओ से खेल गया था और क्या बचा है बताओ और कुछ बचा लोग ने कुछ अदर गेम्स वगैरह भी ट्राई नहीं किया लोगों ने अदर गेम्स ट्राई नहीं किया डेड का सीन रहता है तो देखो दो ऑप्शन रहते हैं आदमी पे दो ऑप्शन होते हैं जब बीजेपी है, उसको कुत्ता पेल के डालो और अंधा पैसा छाप लो फर्स्ट ऑप्शन दूसरा ऑप्शन रहता है रिस्क रिस्क लो लो पैसे का मतलब और क्या कहते हैं व्यूज पे बहुत जोर से गिरावट गिराव आएगी बहुत ज्यादा जोर से तुम्हें पता है उस टाइम पे कद्दू कोई देखता था कोई और गेम ढंग से तो ये था दो ऑप्शन थे मेरे भाई तो भैया ये व्यूज ना घटे सबने वही चुना और हर कोई वही चुनेगा यार ये सब बोलने की बातें होती है गेम पे बस रह गए भाई अपने को खाली पबजी खेलना तो पबजी खेलना

को ध्यान रहेगा यहाँ पे पहले हम लोग गेम प्ले कॉन्टेंट प्ले, क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे टूर्नामेंट के साथ साथ नए नए टीम्स इंट्रोड्यूस हो गए और हम लोग यहाँ पर जितने भी आईपेड प्लेयर है, उन लोग को छोड़कर पे नए नए प्लेयर्स के देखने प्लेये जैसे स्काउट जो मोटल वगैरह स्नैक्स वगैरह इन लोग के गेम प्ले के सब लोग फैन हो गए यार ये लोग तो आईपेड के अंदर इतना गंदा मार रहे इन लोग के सामने तो कुछ भी नहीं है आईपेड प्लेयर्स वाले और हम लोगों ने अपने अपने जो भी फैंस वगैरह जो भी आइडियल्स वगैरह वो चेंज करने स्टार्ट कर दिया और समय के साथ साथ हम लोग तो बदल गए जितनी भी ऑडियंस थी वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई एक जगह तो चली अपनी नॉर्मल गेम प्ले देखने वाली ऑडियंस और

चीज ये लोग नहीं कर पाए उस समय के हिसाब से ई-स्पोर्ट्स e के अंदर नहीं आ पाए और ई स्पोर्ट्स फ्यूचर जो भी बीजो में चल रहा था जिंदा की वजह से नहीं था स्पोर्ट्स की वजह से कॉन्टेंट क्रिएटर्स जिंदा इस चीज को आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा और ये लोग e में नहीं क्योंकि इनको, आईपेड था। इनको e में भी लेता भी नहीं और आईपेड में भैया बोल रहे की अगर बंदे स्पोर्ट्स में होते मैं कहता हूँ देख लो कुछ नाम जो टॉप पे है उनके अलावा तुम जाके देख लो किसका यूट्यूब चैनल चल रहा है

YouTube का तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे भाई क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे मेहनत नहीं की वो ई e स्पोर्ट्स कर रहे थे समझ तो तो e खतरनाक सीन है सो ये वो यार टौप, टौप, लोग को सिर्फ ई स्पोर्ट्स पे जाने से भी चैनल नहीं चलता है मेरे भाई uh, और यहाँ पर बात करते बीजे माई बैन के बाद की जो कंसिस्टेंसी है वो और ज्यादा बकवास हो गई ये लोग हफ्ते के अंदर यहाँ पर दो से ओके की बात हो रही है यार मैं बैन हो माई

सब घर पे बैठे थे और कुछ था नहीं करने को गेम कितना ही खेलोगे कि तो लोग यूट्यूब की कोविड तो सबसे बड़ी, चीज़ थी COVID, सबसे बड़ी। तो आप खुद अंदाजा नहीं लगा छापते थे बहुत लोगों ने कोलेब्रेशन किया उनका भी चैनल ऐसी पिटा पड़ा जाके देख लो ठीक है कुछ स्पेशल अपलोड करने को है नहीं ज्यादा इस गेम में क्योंकि खत्म हो चुका है गेम का ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है

नल्ले नल्लों का काम नहीं होता कुछ हटाओ उसको टीममेट्स वगैरह ईएसपी लगाते तभी इतने सारे किल वगैरह कर पाते इतने सारे एक्सपोज वीडियो वगैरह बने आप कुछ फर्क नहीं पड़ता उन सब से। After that, इनके जो व्यूज कम होते गए होते गए होते उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी भाई तुमको बहुत ज्यादा भाई दे ने वीडियो तो, भाई... तो बना दी इट इज नाइट नाइस एफर्ट खैर दिस वॉज द वीडियो वाई चैनल आर गेटिंग डेड नाइस ट्राई लेटर सी अब नाइस नाइस अरे मेरा थोपड़ा फॉर मेकिंग हे भगवान अरे लॉड इतना सब कुछ बढ़िया करके ये क्या किया तुमने अरे यार आ जाओ. आज मैं देखी लेता तो, हूँ अरे यारेरे को लगा था बंदे ने इतना ट्राई किया है भाई पर आए अरे उद कर लेटम स्किप इट भाई साहब ओके बीच में काटते वीडियो और देखते पॉइंट क्या है ये अपनी चालीस पचास किल वाला मार्क लगाने के बाद यहाँ पर देखो कैसा अपना कैसे जैसे इनका सिक्स स्कोप खुलता है तो डायरेक्ट बंदे के मुंह पे खुलता है और डायरेक्ट बंदा स्पॉट हो जाता है मतलब कि स्कोप खोलते फायरिंग स्टार्ट डायरेक्ट बंदे के ऊपर तो भाई तो भैया चाहते हैं मैं स्कोप खोलूं दो सेकंड का वेट करूं फिर फायरिंग स्टार्ट माय लेकिन अबे भाई आ, उस कंटेंट पे अच्छा एफर्ट था भाई का अब बाकी सामान पता नहीं क्या सीन है लेकिन इनके चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टॉप और मेरे को बताओ अगला किसपे रिएक्ट किया जाए सा क्योंकि साला सामान है नहीं और रिएक्ट करने को लगता है कुछ और देखना पड़ेगा जिस पे धंधा मिलते हैं